हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल राकेश फिशिंग में। और आज हम बनाने जा रहे हैं तलपिया, रोहू, कतला, मृगल, खास इन मछलियों का चारा। और भी मछलियाँ लगती है पर, और सिंपल चारा है, बनाने में तकलीफ नहीं है। देखिए दोस्तों, ये है मैदा। कुछ अलग तरीके से चारा बनाएंगे अपन। मैदा लेंगे छोटा सा और इस मैदे को इसमें डालेंगे। मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा बना के दिखाता हूं, क्योंकि ये चारा जो है मैं थोड़ा क्वांटिटी में बना के दिखा रहा हूँ। दोस्तों, हम ज्यादातर ये चारा खेलते हैं तलपिया। और देख लीजिए, इसे दो तरीके से बनाया जाएगा, एक व्हाइट कलर और एक पीले कलर में। अगर पीले कलर में बनाना है तो एक कलर यूज कीजिए लेमन। और इसे सही तरीके से बनाने के लिए जो पानी है इसमें कलर डाल लीजिए पहले, ताकि ये पूरा पानी पीला हो जाए और इसमें का जो खारापन है नीचे बैठ जाए। और इसके बाद इसे इसमें डाल लिया। और ये चारा दोस्तों थोड़ा पतला ही रहने को ना, इसकी जो गल में लगना है या नहीं लगना है उसको बाद में बताता हूँ किस तरीके से लगाते हैं। और इसमें खास एक मेहनत है, इसे पानी डालने के बाद में ये जो लपेटना है इसको, यही मेहनत है इसकी 15 या 20 मिनट, जब तक कि इस मैदे में चिट्टा ऐसा चिकनाहट ना आए। पंद्रह या 20 मिनट के बाद में इसमें बहुत ही लचक आ जाएगी चने में, ऐसी चिकटपना। तो दोस्तों, 15 या 20 मिनट के बाद में आपको इसमें ऐसा चिपचिपाहट आएगा नजर। आप इस चारे को दोस्तों ज्यादातर घर से निकलने के पहले, शिकार पे अगर जा रहे हो तो आधा घंटा 1 घंटा पहले बनाओ। ये बासा नहीं बोले थे, 1 दिन पुराना बास मारेगा। और बास मारने वाली चीजें ज्यादातर मछलियां पसंद नहीं करती है। ये देखिए दोस्तों, और इसको खास करके सिंगल गल और लगाने का तरीका देखिए दोस्तों। ये जैसे ही रेडी हो जाए तो इसे इस तरीके से लगाइए, इस तरीके से। और ये पानी में नहीं छूटेगा दोस्तों, जितना आप इसको लपेटोगे उतना ही अच्छे तरीके से बनेगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से रहेगा, ये पानी में नहीं गिरेगा। सिंगल गल खेलने के लिए बेस्ट, और डबल भी गल खेल सकते हो दोस्तों इससे। जमीन बोर खेलिए या पानी के ऊपर खेलिए। सिर्फ झब्बू या लप लप का शिकार उसमें यूज ना करिए। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से बहुत ही बढ़िया। और जैसे ही मच्छी इसको बाइट करता है तो ज्यादातर अपने आप हुक हो जाता है, क्योंकि इसमें
तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पे। हाँ एक बात है दोस्तों, और भी अगर आपको इसमें कुछ फ्लेवर डालना है जैसे कि इलायची का फ्लेवर या कुछ भी, तो आप इस पानी में दो चार इलायची पहले ही डालकर ऐसे रख सकते हो और वही फ्लेवर इस पानी के द्वारा इसमें इस मैदे में आ जाएगा। आप ऐसे अपने दिमाग लड़ा के कुछ कर सकते हो दोस्तों। और भी कुछ कन्फ्यूजन अगर हो तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया दोस्तों मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।